नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महू तहसील का कालाकुंड क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रदेश भर में पहचाना जाता है। प्रदेश के एकमात्र हेरिटेज ट्रैक का यह आखिरी स्टॉप होने से सैलानियों की भीड़ भी यहां लगी रहती है। ऐसे ही प्राकृतिक नजारों के बीच स्थित पहाड़ों पर भी अब खनन माफियाओं की नजरें टेढ़ी होने लगी है। दरअसल कुछ माह पूर्व इंदौर इक्षियापुर हाईवे पर खंडवा रोड से गुलजारा गांव तक डांबरीकृत सड़क का निर्माण हुआ है। इस सड़क के दोनों कॉर्नरों को मुरूम से भरा जाना था। इसके लिए ठेकेदार द्वारा क्षेत्र में ही पहाड़ों का छलनी कर अवैध तरीके से उत्खनन कर डाला। बीते कुछ माह में मशीनों से एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों डंपर मुरूम निकालकर पहाड़ों को समतल कर डाला। यहां बता दें कि 11 किलोमीटर लंबी सड़क की लागत 5,88,00,000 रुपए बताई जा रही है। इसका निर्माण मेसर्स नारायण फूलचंद्र मिश्रा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड महू द्वारा किया गया। मामले में जब ग्राम पंचायत कालाकुंड की सरपंच शिव प्रसाद दुबे से चर्चा की गई तो उन्होंने खनन को अवैध मानने से भी इनकार कर दिया। दुबे का कहना था कि पहाड़ी की खुदाई खुद पट्टा धारक द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए की गई है। वहीं क्षेत्र के नायब तहसीलदार यशदीप रावत ने बताया कि क्षेत्र में खनन को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं थी। इसके संबंध में खनिज विभाग से जानकारी ली जाएगी। अगर गलत तरीके से खनन हुआ है तो जांच कर कार्यवाही की जाएगी। सरपंच साहब, यह अवैध उत्खनन हुआ है आपके क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा तो नहीं है कि अवैध उत्खनन हुआ है कहीं। एक पहाड़ी पूरी खोद दी गई है। पहाड़ी, कोई भी पहाड़ी ऐसा नहीं है कि खोद दी है। पहाड़ी जो वो किसानों के खेत का है वो, और किसानों ने अपनी स्वेच्छा से खुदवाई है। रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे एक बड़ी पहाड़ी थी जिसको खोद कर उस बता रहे हैं कि उसकी मुरम का उपयोग सड़क के किनारे कॉर्नर फिलिंग के लिए किया है, सही बात है? नहीं, रेलवे स्टेशन के पास तो रेलवे से दूर दूर तक रेलवे बाउंड्री में कोई उत्खनन रेलवे खुद ही नहीं करने देती है। तो रेलवे बाउंड्री में नहीं, वो हो सकता है कि उसके आगे रेलवे के पास से जो रोड निकला है तो उन्होंने उसकी कटिंग करके नाली वगैरह बनाई है जो कि रोड पे पानी नहीं आया इस कारण। और जो आप बता रहे हैं कि कोई टेकरी को खोदी है तो वो टेकरी राजस्व की है जिससे कि किसी हितग्राही का है, वो जो अपना मकान बनाना चाहता है वहाँ, तो उसने उसको खुदवाई होगी। तो ये किसने खुदवाई है, ये टेकरी जो खुदी है जी, ये किसने खुदवाई है? ये जिस हितग्राही की है उसने खुदवाई है। कोई नाम जानकारी में हो आपके? तो नाम जानकारी में तो नाम तो मेरे को नहीं है, वहाँ जाके मैं कुछ पार्ट देखना पड़ेगा कि किस। अच्छा, ये पूरा टेंडर जो हुआ है ये रोड का, ये किस नाम से हुआ है, किनका है? ये पवन मिश्रा जी का है जी। कब हुआ इसका काम पूरा? इसका काम अभी 2 महीने पहले बारिश लगते लगते हुआ है। सर, ये कालाकुंड के पास एक खदान वगैरह कुछ मुरम खोदने का मामला सामने आया, क्या मामला है? मुझे संज्ञान में आया, जांच कराता हूँ और माइनिंग विभाग से पता करिए, मतलब परमिशन ली कि नहीं ली। सर, राजस्व की जमीन बताई जा रही है कि राजस्व की जमीन पर ये खदान चलाई गई है, ये तो खदान के बारे में जानकारी माइनिंग विभाग से पता चला।